मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एमएम वैली कब्रिस्तान पर जो कि मुमरा में स्थित है, और इस कब्रिस्तान को लेकर के आप भी सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रूबरू होंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान को देने से पहले विवाद जो है वो काफ़ी हुआ था, लेकिन लाखों विवाद के बाद जो है इस कब्रिस्तान को दिया गया। कब्रिस्तान को देने के बाद सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा निकल करके आया भरने का, क्योंकि बारिश का समय होते ही जो है पूरा मट्टी मतलब बारिश का समय होते ही दलदली ज़मीन जो है वो कब्र के अंदर से जो है पूरा पानी निकलता है, और इस पानी के चलते जो है तमाम जनप्रतिनिधियों का ये जो है आरोप लगता है कि कब्रिस्तान में जो मट्टी है उसकी भरनी सही तरीके से नहीं हुई। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, कलवा मुमरा के विधायक है और राज्य के गृह निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा था कि इस कब्रिस्तान की भरनी जो है वो गुजरात की मट्टी से की गई थी। इसको किस हद तक जो है आरोप लगाते हुए जावेद सिद्दीकी ने यह कहा कि ये जो पूरे उनकी बातें थी वो कहीं ना कहीं झूठी बातें जो थी वो साबित हुई है, और इसको लेकर के अभी भरनी को लेकर के आगे किस तरीके की जो है यहाँ पर पूरी कार्रवाई होती है ये अब देखने वाली बात है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जावेद सिद्दीकी ने तमाम आरोप लगाए इस भरनी को लेकर के, और क्या कुछ रही है उनकी बातें, देखिए इस इंटरव्यू को। जावेद भाई, एमएम वैली कब्रिस्तान को लेकर और उसमें मिट्टी के भरने को लेकर बीच में काफ़ी बातें उठी थी, और कहा गया था कि कुछ मीटिंग्स हुई है जिसमें आप सब मिलकर मिट्टी भरेंगे, और कई सारी तंजीमों के लोग, कई सारे एनजीओ इसमें उतरे थे, लेकिन उसके बाद से वो मामला एकदम ठंडा हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप उस ताल्लुक से, आप कुछ जानकारी देना चाहते थे, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मुमरा के जो पत्रकार बंधु हैं, सबसे पहले मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने इस कब्रिस्तान के बारे में काफ़ी आवाज़ उठाया था, और अभी फिर काफ़ी दिनों से कब्रिस्तान में चर्चे चल रहे हैं। इसके पहले बहुत से लोगों ने कहा था कि कब्रिस्तान के ऊपर सियासत खेली जा रही है, सियासत न खेला जाए, सही बात है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, उस राजनेता को बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस कब्रिस्तान के अंदर आकर कहा था कि हमारे साथ में मुमरा शहर के बड़े बड़े लोग भी आए थे, काफ़ी लोग आए थे, कुछ टोपी लगाए थे, आप लोग समझ जाएं मैं किनकी बात कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, वो लोग आए हुए हैं, और ये जो मट्टी भरनी हो रही है ये गुजरात की मट्टी भरनी हो रही है, ये मैं नहीं कहता हूँ मीडिया के चैनल के माध्यम से, हमारे राजनेता ने कहा था, और यहाँ के जो बड़े बड़े लोग भी थे उस संबंध में, मैंने जब उन बड़े लोगों का चेहरा देखा तो ये शहर में ये बड़े लोग क्या मरे हुए आदमी को ये लोग नहीं छोड़ सकते, इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया कब्रिस्तान के साथ में, सारे मुमरा शहर को मालूम है। इसके संबंध में मैं भी खामोश रहा, लेकिन बीच में जब कुछ कब्रिस्तान के बंटवारे के बारे में बात आई तो उसमें कुछ फोटो बैनर भी लगे, शुक्रिया के भी लगे। तो जब तुम कह रहे हो कि कब्रिस्तान के ऊपर कोई भी सियासत नहीं करना चाहिए, तो मैं समझ गया कि ये खेल हो रहा है, अभी कोरोना का खेल चल रहा है, आने वाले दिन में चंद दिनों के बाद बारिश आ जाएगी, फिर जो ये कब्रिस्तान की बात थी वो वैसी पड़ी रह जाती। तो मुझे पहले ही मैंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया प्रशासन को कि आपने जो कब्रिस्तान 5 एकड़ मुस्लिम समाज को मुमरा शहर को दिया है, तो इसके लिए जब मट्टी की भरनी की ज़रूरत है तो यहाँ लोग बोलते हैं कि भरनी होगी, बड़े बड़े संस्थाओं, बड़े बड़े लोगों को लेटर गया सब जगह। तो मैंने उसके पहले 1/10/2021 को मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, उन्होंने इसके ऊपर जो है नगर विकास मंत्री को, महाराष्ट्र शासन को पत्र आया कि हकीकत जो है कि इस कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होना चाहिए। मैं वीडियो के साथ, सबूत के साथ, म्युनिसिपैलिटी का जो माहिती अधिकार का लेटर था कि इस कब्रिस्तान में कोई भी गुजरात से मट्टी नहीं आई है, वो पत्र और वो वीडियो के साथ में मैं महाराष्ट्र शासन को दिया, उसकी जांच चालू हो गई है। और कब्रिस्तान के साथ अगर किसी पार्टी ने कब्रिस्तान के साथ में ये जो खिलवाड़ खेला है, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ नहीं करेगा, खुदा की कसम, जीते जी तो तुम लोग जन्नत दे नहीं सकते किसी से हो, और तुम मरने के बाद लोगों को जहन्नम की तरफ डाल रहे हो, ये मत करो, इंशाल्लाह ये हाल तुम्हारे ऊपर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने
इस बात को टिप्पणी किया था मुख्यमंत्री प्रशासन को कि हमारे शहर के एक 9 किलोमीटर दूर में राबड़ी है जहाँ पे शायद 2 लाख 4 लाख मुसलमान रहते हैं, वहाँ 3 दिन कब्रिस्तान है, तो वो कब्रिस्तान के लिए आप लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने टीएमसी ने उत्थल सल प्रभाग समिति से मैंने माहिती लिया, जहाँ पे उस वक्त सहायक आयुक्त पटोले साहब थे उनके टाइम पे कुछ 59,66,770 रुपया जो प्रभाग क्रमांक नंबर 10 आ एक नगर सेवक जो है हो के वो अपने वार्ड के लिए 59 लाख रुपया ला सकता है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ 18 नगर सेवक एक कब्रिस्तान के लिए, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 18 नगर सेवक को आप लोगों ने थाने महानगर पालिका भेजा? लेकिन आप लोग हो ही पूछो इनसे कि कब्रिस्तान के लिए आपने क्या किया? तो मेरा कहने का यही मतलब, एक नगर सेवक जो कोरोना की महामारी में जिन्होंने 2021 में 59,66,000 रुपया जो पास कराया है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, लेकिन वो 18 नगर सेवक एक कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाए क्या? मैं वो जनता से पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आप दोबारा वोट देंगे क्या जो कब्रिस्तान से साथ खिलवाड़ किया है? और इंशाल्लाह इसके लिए जो है मैं राज्यपाल जी को पत्र दिया हूँ वीडियो के साथ में, टीएमसी के सारे सबूत के साथ, कब्रिस्तान के साथ, कि इसकी जांच होना चाहिए, इसमें जो भी भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और इंशाल्लाह बारिश से पहले जिस तरह से राबड़ी को 66 लाख रुपया दिया गया है उसी तरह भरनी के लिए टीएमसी से पैसा मंजूरी करके इसको भरनी करना चाहिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय से लेटर गया है नगर विकास मंत्री के पास, नगर विकास के पास, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द से जल्द ऊपर लेवल से यहाँ पे भरनी का काम चालू होगा और इसके पीछे हम लगे रहेंगे। इसमें हम सियासत नहीं करना चाहते न हम कभी किया है, हम इसलिए यहाँ खुले आम। जावेद भाई एक और सवाल जी, आपने कहा कब्रिस्तान पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन बात है कि आप कब्रिस्तान में मिट्टी की भरने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी से आपके अलावा और जल्दी कोई इस आवाज़ को नहीं उठा रहा है। इसी बात को लेकर सत्ताधारी पक्ष कहता है कि ये बोलने वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर और मोबाइल पर है, मीडिया जब भी उनसे सवाल पूछती है तो वो कहते जाइए मोबाइल वालों को, आप ये बता दीजिए वो बता, तो कहाँ है? देखो आप वाले ज़रूरी तो नहीं है कि ये तो आखिरत का मामला है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई इसकी मिट्टी भराने के लिए कहीं से पास ही किया जाए फंड, क्या पैसा हमारे पास नहीं है, क्या मुसलमान इतनी कहा जाए कि इतनी गरीब कौम है कि जिसके पास फंड नहीं है मिट्टी भरवाने के लिए, ये भी एक सवाल है ना, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? अरे आपने ये जो सवाल किया है कि तुम्हारे पार्टी, यहाँ पार्टी के बात थोड़े है, यहाँ मैं पार्टी के लोगों को लेके नहीं आया, जो सत्ताधारी बोल रहे पहले वो मुझे आपके न्यूज के चैनल से आप जवाब मुझे दें कि कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, यहाँ झूठ बोला गया है कि नहीं, पहले वो तो जवाब उनसे लो। और रह गई पार्टी लेवल की बात, ये हमारे पार्टी के जो सदर सैफ पठान थे उन्होंने कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाया था, और उन्होंने आवाज़ जो स्टार्टिंग में उठाया था उसी के वजह से उनको यहाँ से सत्ताधारी ने उनको यहाँ से तड़ीपार भी कराया गया है, तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ नहीं आवाज़ उठाने के लिए आते, वो डर रहे हैं, लेकिन हम लारे लोग जैसे डरते नहीं हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, और हमारे कब्रिस्तान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम 10 मरतबा 20 मरतबा जितने बार हो हम यहाँ पे आएंगे। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी, कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।